नहीं खाला, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। अरे पागल हो क्या, मैं तुम ऐसी लगती हूँ जो किसी की जान लूं? ये है क्या? बस तुम इसे फयाज को पिला दो। मेहरबान है देना। क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हारी कामयाबी से तो मेरा फायदा छुपा हुआ है। अच्छा वो इफ्रा तो नहीं आई थी ना? आई थी दो तीन बार। अरे बेटा उससे बचकर रहना, बहुत तेज और समझदार लड़की है वो। फिक्र ना करो खाला, बहुत देखी है उसने ऐसी। वालेकुम सलाम, कैसी हो तू? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? हाँ ठीक हो। मैंने सोचा कि परवीन को जाकर जरा देख लूँ कैसा काम कर रही है। आपको इससे कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक काम कर रही है परवीन। ये वो किताबें हैं, ये वो नवी जमात का कोर्स है, तो शायद को दे देना, उससे कहना कि ये किताबें लेके कमरे में आ जाए। और हाँ ये बतूल को खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देना, आफिया की बहुत अच्छी सहेली है। जी साहब सुने साहब जी, वो खाना क्या खाएंगे आप, क्या बना? जो भी बनाए खा लेंगे। बिरयानी बना ले इनके लिए। आओ ना राशिद। अच्छा आओ ना, इससे क्या देख रहे? कहो क्या क्या कहना है? चाय नहीं पियोगे? मुझे नहीं पीनी चाय भाई। अब आ ही गए हो तो ये नाराजगी गुस्सा घर छोड़कर आना था ना, मुंह बनाए रखोगे तो कैसे बात करूंगी? ना मुझे बातें करनी है ना सुननी है, मैं जा रहा हूँ बस। नाराज तो मुझे होना चाहिए था, याद है ना क्या करके गए थे तुम मेरे साथ? हाँ 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 मैंने क्या किया था? अच्छा मैंने क्या किया था जनाब? गोली चलाई थी मुझ पर और तड़पता हुआ छोड़कर चले गए थे। हिसाब तो मेरा निकलता है तुम्हारी तरफ। ओहो गोली तुम्हारे उस मुछंदर नाकाम आशिक ने चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी अम्मा से पूछ लो। अम्मा तो चाहती थी कि मैं फंस जाऊं पुलिस के चक्रों में, और तुम्हारा आशिक फरार हो गया, फिर मैं भी निकल गया। वैसे एक बात है परी, मोहब्बत करता था तुमसे, और तुम्हारी मोहब्बत में जेल तो क्या फांसी के फंदे पे भी लटक जाता, लेकिन तुम तो मेरी थी ही नहीं। राशिद अब छोड़ो भी, ऐसे बोलते रहोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? सुनने के लिए रह क्या गया है, इतना कुछ हो गया मेरी जिंदगी में, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? अपनी बीवी को उसको हक नहीं दे सका सही से, और बल्कि शायद मेरी ही वजह से उस बेचारे की जान चली गई। और हां बस साफ सी बात है, अब मैं नहीं आऊंगा इस झांसे में, मैं सिर्फ यहां बेस्ट आया हूं तुम्हें सब कुछ समझा दूं, अब किसी जाल वाल में नहीं फंसूंगा मैं। हाँ मेरी मोहब्बत को जाल कहकर यूं तोहीन तो मत करो, माना के गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है ना, और तुमने भी तो गलती की थी ना। मेरी मोहब्बत कदम भरते थे और शादी किसी और से कर ली, खैर मैंने उस वक्त भी तुम्हारा ही साथ दिया। मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया कि पुरानी बातें याद करा सकूं, बस मैं तो चाहती हूं सारी तल्ख बातों को भूल जाओ और फिर से वहीं से अपनी मोहब्बत का, अपनी दोस्ती का आगाज करते। मुझे नहीं करनी दोस्ती वोस्ती अब। तुम्हें नहीं करनी दोस्ती, और मैं क्या करूं इस मोहब्बत का जो किसी और से होती ही नहीं है। एक काम करो, या तो मेरे दिल से अपनी इस मोहब्बत को निकाल दो,
या फिर अपने दिल में थोड़ी सी जगह तो दे दो, कुछ करो ना, मैं बेबस हूँ, बहुत बेबस हूँ। मुझसे कुछ नहीं होगा, जा रहा हूँ बस मैं यहाँ से। राशिद, वो तुम्हारी एक्टिंग, वो तुम्हारा जुनून, उसका क्या हुआ? सारे ख्वाब अधूरे रह गए, मिट्टी में मिल गया मेरा जुनून, खुद जुनूनी हो गया। कुछ मिट्टी में नहीं मिला, झूठ कह रहे हो तुम, डर गए हो, थोड़ा सा डर गए हो इस दुनिया से। राशिद मैं हूं ना तुम्हारे सारे डर दूर करने के लिए। अच्छा ठहरो ना, सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया पर डालेंगे, ट्रेंडिंग होगी। मुस्कुराओ ना, असली वाला। राशिद कितने प्यारे लग रहे हो ना तुम, ऐसे नहीं ऐसे, हंसो हंसो ना। कितनी अच्छी आई है ना, बड़ा मजा आएगा। बस अब हटो और मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, अगली बार तुम्हें धमकी से नहीं पर ही अपने प्यार के यकीन से बुलाएगी, है ना यकीन? वो डायरेक्टर याद है, वो अख्तर साहब नई फिल्म बना रहे हैं, अब की बार तो बजट भी बहुत बड़ा है और म्यूजिक सुनोगे तो पागल हो जाओगे, इतने अच्छे गाने हैं राशिद, जब तुम उसमें एक्टिंग करोगे तो क्या लगोगे। मैं तो अभी से सोच के इतनी खुश हो रही हूँ, बड़ा मजा आएगा, है ना राशिद? मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारा डर है, डर गए हो तुम दुनिया से। मैं तुम्हारे सारे डर दूर कर दूंगी, एक बार बस एक बार मेरा कहा मान के तो देखो, बड़ा मजा आएगा। हाँ क्या बना रही हो? बिरयानी। बड़े साहब चाय मांग रहे हैं। तू चल मैं लेके आ रही हूँ। जल्दी करूँ ना यार, वो कह रहे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मम्मी को बोलो कड़क सी चाय बना। बोला ना लेके आ रही हूँ, और मुझे पता है चाय बड़े साहब ने नहीं पीनी, तूने पीनी है। बात सुनो, मुझे नहीं पीनी। खैर अगर बना रही तो मेरे लिए भी बना दो, ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है, पड़ा पड़ा के दिमाग खराब कर दिया। देखा आ गया ना अपने मतलब की बात, चल बना रही हूँ। तू बड़ा जानती है मुझे। आओ तो। कितनी बार कहा है कि शाहिद को भेजा करो कमरे में। वो शाहिद बाजार गया था तो इसलिए मैं चाय ले आई, बता रहा था कि आपके सर में दर्द है। ठीक है रख दो। सर दर्द की गोली ले आओ। नहीं गोली है मेरे पास। गोली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरे हाथ की चाय पीने से वैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी। वो भी मेरे हाथ की चाय पीते थे, तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती थी उनकी। अच्छा वो शायद आए तो उसे कहना कि आ जाए पढ़ाई करने के लिए, जब भी पढ़ाई का वक्त होता है
बाजार चला जाता है। इसकी क्या जरूरत है, पहले इतना कुछ कर चुके हैं आप हमारे लिए। ठीक है जी, जाओ तो। कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। आपने चाय नहीं पी बाजी? दिल नहीं चाह रहा मेरा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाजी? ठीक है, बस वैसी चाय देख के दिल खराब हो रहा था तो नहीं पी। ऐसा तो तब होता है जब। जब क्या? छोटा मुंह बड़ी बात। जब कोई खुशखबरी हो, जब कोई जिंदगी बदलने वाला हो। क्या मतलब है तुम्हारा? जी बाजी, औरत की जिंदगी बच्चे से बदल जाती है, पसंद ना पसंद में बदल जाती है, और जो ना पसंद हो वो अच्छा लगने लगता है। आप डॉक्टर के पास जाइए ना, देख लीजिएगा मेरी बात सच होगी, और मुझे पक्का यकीन है सना का भाई आने वाला है। फिजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से। वो इस सना को उठा के देना। जी बाजी। आपको ये मेरी चाय का असर। तो चाय में डाला क्या था? मुझे तो लग रहा है ये टपक गया ऊपर। अरे पागल हो गया क्या? देखो तो सांसें ले रहा है। पापा डर लग रहा है मुझे। डरने की क्या बात है, बस हल्का सा नशा है। बतूल खाला कह रही थी इससे बंदा मरता नहीं है, बस चाय पिलाने वाले के बगैर जी नहीं सकता। साहब जी भी मेरे बगैर जी नहीं सकेंगे। उठेगा कब तक ये?
हुआ है? सोने दे। राशिद ने फोन काट दिया और अब्बू फोन ही नहीं उठा रहे। क्या कर रहे हैं ये दोनों मेरे साथ? भूख लग रही यार। अभी तो ठूस के बैठा है। अच्छा ना। साहब आप कैसी तबीयत है आपकी? क्यों मुझे क्या हुआ? वो सर दर्द था ना आपको? हाँ चाय बना के दी थी मैंने। हाँ वो था सर में दर्द, लेकिन चाय बड़ी अच्छी थी, उससे तो बिल्कुल सर दर्द ठीक हो गया और मैं तो सो भी गया। हालांकि दिन में नींद नहीं आती मुझे, बड़ी अच्छी नींद आई। साहब जी अम्मा के हाथ में ना जादू है। अब्बा भी पीते थे ना, सुकून की नींद सोते थे। ठीक कहते हो तुम। कहाँ जादू साहब जी, जादू होता तो हमें कभी छोड़ के बाहर ना जाता और बाहर जाके हमें कभी नहीं भूलता। ये तो आपका बड़कपन है कि आपने हमें आसरा दिया, वरना हम दोनों माँ बेटों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती। वैसे ये तुम्हारा शौहर है, बहुत ही गैर जिम्मेदार बदसौक सा आदमी है। इतनी वफाशार बीवी और बेटे को छोड़ के चला गया। खैर कोई नहीं, आ जाएगी उसको कल। कहाँ साहब जी, पता नहीं उसे कदर होगी कि नहीं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। दिल लग गया है हमारे यहाँ पे, शाहिद को आपकी सूरत में बाप मिल गया है, इसकी पढ़ाई शुरू हो गई। अब आप हमें आसरा देके बेआसरा मत कीजिएगा। मैं क्यों निकालूंगा तुम्हें? हम आपके नौकर जो है, दिल भर सकता है कोई, हमारे खिलाफ कान भर सकता है, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है हमें छोड़ना। नहीं लेकिन मैंने तुम दोनों को मुलाजिम समझ के तो नहीं रखा भाई। वो जैसे वो तुम्हारी बतूल खाला से रिश्तेदारी है तो समझो वैसे ही मेरे साथ भी रिश्तेदारी, और ये बार बार अपने आप को मुलाजिम कह के मुझे तो शर्मिंदा ना करो जी।
ये तो आपका बड़कपन है, अस्मत है आपकी, मुझे तसल्ली हो गई। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे वो इफ्रा का फोन। शायद सबक सुनाओ ना, तो आपको हाँ, तुमने कल याद किया था। हाँ साथी, मैं सुनाऊँ सबक। खाना लगाऊं आपके लिए? आप खाना खा लेंगे तो शाहिद भी खा लेगा। कल से कुछ नहीं खाया, कह रहा था कि साहब जी खाएंगे तो खाऊंगा। तुमने खाना क्यों नहीं खाया भाई? साहब जी सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी हैं। तुम दोनों तो खाना खा लेते ना, लगाओ जल्दी से खाना। जी मैं अभी आई। शाहिद साहब को फोन चार्जिंग पे लगा दो ना, उन्होंने। नरगे सब बहुत हो गई, जब रात को कोई आ जाए ना, है कोई हल्ला गुल्ला करे। अरे कहती तो हूँ उसे, बस हर मर्तबा कोई ना कोई बहाना कर देता है। क्यों? तब लड़की अमेरिका से आ गई, सारी तैयारियां हो गई हैं, कहीं लड़के का इरादा तो नहीं टगमगा रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नादरा, होना भी नहीं चाहिए। पता है जब से वो आई है ना यहाँ, तीन रिश्ते आ चुके हैं, कोई कमी नहीं है। मेरी जो हमसाई है वो तो दो दफा अपने भाई के लिए रिश्ता मांग चुकी है। एक ग्रीन कार्ड होल्डर है ना, इसलिए सब चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर कर दो। पागल हो गई हो? इतना खर्चा कर रही हूँ उस पर, जेवर बनवा कर दे रही हूँ, कपड़े बनवा कर दे रही हूँ, इसलिए कि वो किसी और की बहू बन जाए? नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि उसकी अम्मी की फोन आते हैं बार बार, तो वो परेशान हुई हुई है ना, मैं अब उनको क्या जवाब दूँ? अच्छा फिक्र ना करो, जल्दी कुछ हो जाएगा। अब वो देखो ना, मुख्तार साहब वो भी चले गए, वो होते तो जवाब को जोर देकर कहते, अब माँ की बात में वो दम कहाँ जो बाप की बात में होता है। हाँ मगर जो भी करना है जल्द से जल्द करो, मैं अब चाहती हूँ कि इसको रुखसत कर लूँ ना अपने घर से। अच्छा फिक्र ना करो नादरा, ये रोज किससे बात कर रही है? अपनी माँ से करती है ना, अच्छी शरीफ लड़की है, कोई नाज नखरे नहीं है, मेरी भी मदद करती है, तुम्हारी इफ्रा जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम इसको ब्याह कर लेकर जाओगे ना, मुझे दुआएं दोगे कि किस तरह की बहू दी है तुम्हें। अच्छा मेरी जान, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, नहीं मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़ी देर में, आई टॉक टू यू लेटर, ठीक है? हाँ हाँ मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में। Okay. Khuda hafiz. आज आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ वो फैक्ट्री में कुछ काम था, मरम्मत हो रही है ना, उसकी वजह से देर होगी थोड़ी, देखना पड़ता है खुद। क्या वो दवा क्यों खा रही हो? फोन किया था मैंने आपको। हाँ देखा नहीं, भूख लगी हुई है, चूहे दौड़े पेट में, खाना खिला दो। Hello.
आधी मोहब्बत आधा फसाना ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना छोड़ दिया है तुमने हमको नाश्ता आपका फेवरेट आलू का पराठा तो मुझे खिला खिला के और मोटा कर दूंगी मोटा नहीं सेहतमंद क्या हाल बना रखा था आपने आंखों के नीचे हल्के माथे पे झुर्रियां इतनी उम्र नहीं थी आपकी जितने आप लगने लगे थे मुझे तो लगता है कि आफिया बाजी के जाने का गम आपने दिल पे ही लगा लिया है हाँ तो सच कह रही हो तो अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मैं हूं ना आओ तुम भी नाश्ता करो ना मैं किचन में कर लूंगी नहीं नहीं आप मेरे पास बैठ के करो नाश्ता साहब जी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बराबर में बैठ के नाश्ता करूं मैंने तो कितनी बार कहा है परवीन तुम मुलाजिम नहीं हो मेरी आओ इधर बैठो हाथ छोड़िए ना हाथ छोड़िए ना अरे रहने दीजिए बहुत मजेदार बड़ा जायका है तुम्हारे हाथों में करने शुक्रिया अगर तुम्हारा मियाँ वापस आ गया और तुम चलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा अगर आप कहते हैं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी सारी जिंदगी आपके दर पे पड़ जाऊंगी
चाहे वो अच्छे होते हो। मालूम। चाय पीने के बाद रेस्ट कर लीजिए। हाँ वो आज जरा जल्दी पहुंचा था कहीं पे, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ, आ जाऊंगा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? दवा खा रही थी ना रात को, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ बेहतर है आप। चलो सही, मैं चलता हूँ, डॉक्टर को दिखा देना, हैं चेकअप वेकअप करा लेना। हाँ भाई, क्या हाल है बुड्ढे का? मस्त, एकदम मस्त। सिर्फ मस्ती रहना है उसने या फिर उससे कुछ वसूल भी करना है? बड़ा ही बेसब्र है। इधर क्या, ये ले जाके बैंक में जमा करा के। बस इतने? ठंडा करके खाते हैं ना, हाथ चल जाते। अच्छा चल जाना। क्या ये इधर ले? नहीं तो नया ले लेना ना। कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? आप कौन है और कहां घुसे चले आ रहे? चोर, चोर! अरे एक मिनट सब्र करो, मैं शाकिरुल्ला हूँ, फयाज से मिलने आया, उसका दोस्त हूँ। फयाज कहाँ है? कौन शाकिरुल्ला? कौन से दोस्त? कोई है? अरे चोर! फयाज कहाँ है? रशीदा ले आओ रोटी।
अस्सलामुअलैकुम ताया भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? रशीदा, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं, जल्दी आ जाऊंगी, सना का ख्याल रखना जी। क्या हुआ? मुझे तो कोई खुशखबरी लगती है भाई जी। तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? अम्मा हो तुम इस घर की, जाओ यहाँ से। जी माफी चाहती हूँ। बताया नहीं, हुआ क्या है तुम्हें? सी बस मैंने चक्कर आ रहा है, सुस्ती सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं बिल्कुल। खैर सुस्त तो तुम हमेशा से हो, कुछ दिनों की बात तो नहीं है ये। आ जाओ जाओ भाई, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगे तुम, जाओ। कहीं रशीदा की बात सच्ची ना हो, अगर ऐसा हुआ तो मजीद कदम जमा लेगी इस घर में और राशिद की जिंदगी में। राशिद तो पहले ही इसका दीवाना हो गया, और अगर बेटा हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? नाथरा को फोन करती हूँ भी।